एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें डू वाइल लूप से 5P टेबल प्रिंट करने का सी प्रोग्राम बनाना है तो उसको हम कैसे करेंगे। इस प्रोग्राम को हम दो तरह समझेंगे, एक तो समझेंगे व्हाइट बोर्ड पर और उसके बाद हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देखेंगे। तो पहले इसको व्हाइट बोर्ड पर समझ लेते हैं और किसी भी लॉजिक को समझने से पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि 5P टेबल आखिर जनरेट कैसे होती है। तो देखिए, जब हमने बचपन में पढ़ा था 5P टेबल को तो हमने पढ़ा था इस तरह से, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, इसी तरह से 5 × 10 = 50। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये 5 तो कांस्टेंट हो गया और ये जो 1 से लेकर 10 तक चल रहा है ये हो गया आई और ये हमारा आ जाता है रिजल्ट। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया 5 × i = result, ये तो हो गया मैथ्स में। लेकिन अगर हमें सिस्टम में लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे result = 5 × i। तो इस लॉजिक को हम यूज़ करेंगे और आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पूरा यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले stdio.h ये हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। मेन फंक्शन स्टार्ट करके हमने दो वेरिएबल लिए, i और रिजल्ट, ये रिजल्ट और i। इसके बाद हमने इसके अंदर क्लियर करने के लिए clr फंक्शन यूज़ किया है और डू वाइल लूप यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब रिजल्ट में हमने यही इक्वेशन लिखा है जो हमने यहाँ लिखा था, result = 5 × i, और जो भी रिजल्ट में आया वो हमने प्रिंट कर दिया न्यू लाइन में टैब देकर। आप चाहें तो इसको न लिखें और चाहें तो लिख सकते हैं। तो रिजल्ट की वैल्यू को हमने %d यानी कि डेसिमल टाइप में हमने प्रिंट कर दिया और i की वैल्यू को हमें 1 से 10 तक चलाना है इसलिए हमने एक एक करके इंक्रीमेंट करते गए, यानी कि i++ लिखा और लास्ट वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू से लेकर लास्ट वैल्यू तक हमने 10 तक इस लूप को चला लिया। और उसके बाद हमने getcs लिखकर इस मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। तो अब इस प्रोग्राम का हम आउटपुट देखने के लिए हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर टेस्ट करके देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं सिस्टम पर। तो आइए इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं और आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पहले से यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो आइए रन कराते हैं प्रोग्राम को। तो देखिए, ये 5 की टेबल प्रिंट हो गई है। यहाँ पर जो 5 और 15 आप ये देख रहे हैं ये सिर्फ ऑनलाइन सी कंपाइलर की एक प्रॉब्लम है जो कि लेफ्ट अलाइंड हो गया है। आप जब इसको अपने कंपाइलर पर रन करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने इस प्रोग्राम को दो तरह समझा, एक व्हाइट बोर्ड पर समझा और एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लिया। और अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।